है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, और आज हम बात करने वाले हैं 2022 में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी होने वाली है। और मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 3 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक्स इन 2022, जो कि आप बेझिझक खरीद सकते हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 2022 में बहुत सारी न्यू बाइक्स लॉन्च हुई हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं द बेस्ट रॉयल एनफील्ड बाइक से। सबसे बेस्ट रॉयल एनफील्ड की बाइक है हंटर 350, और ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है, और ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से फ्लैगशिप मशीन। और तो और, इस बाइक का वेट सारे बाइक के वेट से बहुत कम है, और ये बाइक 350 सेगमेंट में आता है, क्योंकि इस बाइक की वेट सारे बाइक से कम है और ये 350 सीसी के सेगमेंट में भी आता है। इस बाइक की लुक्स, इंजन परफॉर्मेंस, राइडिंग कंफर्टेबिलिटी, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और तो और गाइस, इसकी प्राइस 1.5 लाख एक शोरूम है, और इसका टॉप वेरियंट जो की 1.74 एक शोरूम है, और इसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है आप लोग को 2 लाख तक ऑन रोड प्राइस इसका आ जाता है। और ये बाइक 350 सेगमेंट में सेम रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 मिटियो 350 सेम इंजन शेयर करता है। और तो और, ये बाइक की लाइट वेट होने के कारण इसका इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। ये बाइक आपको आराम से 35 km/h माइलेज का क्लेम करती है कंपनी, और कस्टमर का रिव्यू के हिसाब से मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है, उन लोग भी बताया कि 35 km/h ये बाइक आराम से दे देती है। इस बाइक में स्पोक व्हील्स, अलॉय व्हील्स दोनों का ऑप्शन है, और लुक्स के मामले में भी बहुत बढ़िया दिखता है। तो गाइज, अब बताओ यार, ये बाइक वैल्यू फॉर मनी क्यों नहीं होगी। तो गाइज, अब बात करेंगे सेकंड बाइक के बारे में, जो है टीवीएस के तरफ से 2022 में बेस्ट द मेट्रो डिजाइन के साथ में आता है टीवीएस रॉनिन 225। यार गाइज, एक बात तो माननी पड़ेगी यार, इसका डिजाइन का कोई जवाब नहीं। लुक्स में मैं इसको 9 out of 10 दूंगा, क्योंकि इस लुक्स में ये कतई जहर मचा दे रही है। ये बाइक 2022 की बेस्ट वैल्यू फॉर माय बाइक है, जिसका एक शोरूम प्राइस 1.45 से लेके 1.70 तक आती है, और इसका ऑन रोड प्राइस 1.80 से लेके 2.00 lakhs तक आती है। इस बाइक का सबसे यूएसबी अपसाइड डाउन फ्रंट स्पोक्स, और इसका फोन कनेक्टिविटी फीचर्स जो कि इस बाइक को और भी एनहांस कर देता है। इस बाइक में ऑल एलईडी सेटअप से फ्रंट एंड रियर दोनों एलईडी सेटअप से ट्यूबलेट स्टाइल्स, और तो और राइडिंग की तो कंफर्टेबिलिटी को तो बात ही छोड़ दो, एकदम कंफर्टेबल। बाइक 159 केजी के साथ आता है, और इसका भी इनिशियल पिकअप एकदम बढ़िया है। अगर हम बात करें रॉयल एनफील्ड 350 और टीवीएस रॉनिन के ड्रैग रेस के बारे में, तो यार टीवीएस रॉनिन इनिशियल पिकअप में सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसका इनिशियल पिकअप, उसका इंजन बहुत ए क्लास है। लेकिन ऑन टॉप बात करें, टॉप स्पीड, टॉप जो टीवीएस को रुकार देगा वो है रॉयल एनफील्ड 350 हंटर, क्योंकि यार उसका 350 इंजन सीसी है, जो कि वो उसको पीछे छोड़ के कहीं आगे दूर निकल जाती है। और टीवीएस इंजन की बात करें, टीवीएस की इंजन रिफाइनरी बहुत बेस्ट है, जो कि आपको 45 km/h माइलेज भी प्रोवाइड करती है, हंटर से ज्यादा। अब गाइस, फाइनली हम बात करेंगे नंबर 1 बाइक, जो कि इस लिस्ट में सबसे, इस 2022 में सबसे नंबर टॉप लिस्ट में आ रहा है बजाज के तरफ से, बजाज पल्सर N160। यार अगर आप इस बाइक की फुल डिटेल्स चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा वीडियो चेकआउट करो, आप उसकी फुल डिटेल्स, फुल रिव्यू मैंने वीडियो में की हुई है, आप वीडियो चेक कर लेना। ये बाइक 2022 में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है, जो बजाज ने N160 को मार्केट में लाके एकदम धमाका मचा रखा है, क्योंकि ये बाइक मार्केट में जब से लॉन्च हुआ है तब से इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, और तो और मार्केट में इसका सेल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यार बजाज ने इस बाइक में दिया है डुअल चैनल एबीएस, और इस प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में डुअल चैनल एबीएस आपको किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलती है। और तो यार, यस, इस बाइक में सिंगल चैनल एबीएस का भी ऑप्शन है, जो कि इस बाइक का एक शोरूम प्राइस होता है 1.23,000 से 1.29,000 तक है, और इसका ऑन रोड आ जाता है 1.50 से लेके 1.60 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है। इस बाइक के बारे में बात करें, इस बाइक का लुक्स एकदम ए क्लास है, क्योंकि यार मेरे को ये बम्बलबी की तरह लगता है, क्योंकि यार ट्रांसफॉर्मर में बम्बलबी का जिस तरह, ट्रांसफॉर्मर मूवी में बम्बलबी का जिस तरह का लुक्स है, मेरे को इसको फ्रंट से देखने से वैसे ही सेम लुक्स मेरे को दिखाई देता है। इस बाइक की इंजन परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि हम लोग को 45 km/h माइलेज देती है, इसका न्यूली डिजाइन इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, इसका डुअल चैनल एबीएस, इसका एलईडी प्रोजेक्टेड हेडलाइट, बाइक का बिल्ट इन चार्जिंग पोर्ट, ये
सारी फीचर्स बजाज N160 को सबसे टॉप में रखती है, के टॉप लिस्ट में आता है। तो गाइस बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, इस वीडियो में आपको अगर बाइक लेना है आप बेझिझक ये तीनों बाइक में से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन मेरे को टॉप लिस्ट में मेरे को सबसे अच्छा लगा बजाज के तरफ से N160, क्योंकि ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है मिडिल क्लास लोगों के लिए भी। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। यार आप लोग को अगर किसी भी बाइक के बारे में जानना है तो मेरे को कमेंट कर दो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।